नमस्कार सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तीन मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज देंगे या गाइडेंस देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे यानी कि एंजल मैसेजेस देखेंगे एक्चुअली, कि एंजल आपके लिए आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही होगा। जो आपका क्वेश्चन है क्या वो आप पर मैच होगा, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तीन कार्ड लेते हैं आपके लिए जो यूनिवर्सी जो आपको मैसेज मिलेंगे सप्ताह के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कॉन्क्लूशंस आर विद इन रीच, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यूनिवर्सी बॉटम ऑफ द डेक बता रहे हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा यानी कि काम करना पड़ेगा। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आपका काम नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होता, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो आपका नया ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी नई स्टार्टिंग शुरू हो रही है। नया आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है, आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर आप समझौता करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब मिडिल ग्राउंड में आकर बात करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे तो उसका समाधान जरूर मिलेगा। कंक्लूजन्स आर विद रिच, जो चीज़ें जिस चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जिस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो आपके को मिल सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे मिडिल ग्राउंड में आएंगे तो सक्सेसफुल होंगे और कामयाबी की तरफ आप जरूर बढ़ेंगे। तो आपको आपका नया समय शुरू होता है अब, यानी कि आपकी नई जर्नी शुरू होती है, नई स्टार्टिंग होती है, तो आपको वो कर लेनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सोच लेने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके लिए आपको नई स्टार्टिंग करनी होगी, शुरुआत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं ये सप्ताह लव लाइफ आपका कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज। सेजिटेरियस के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, सेजी यानी धनु राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो चीज़ जो इस रिश्ते में वाद और विवाद है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपकी खुद की बनाई हुई है, आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस जकड़न से, उस परेशानी, उस दुविधा से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उसका हल और सोल्यूशन नहीं ढूँढेंगे, यानी कि जो आप अपने पर्सन से बातें नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर बातें हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो उन चीज़ों को आपको धीरे धीरे करके बातें करनी चाहिए ताकि इसका हल और सॉल्यूशन मिल सके। और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले करनी चाहिए चुप्पी और खामोशी के साथ। अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए और चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी आपके बीच में प्यार है, जो भी प्रेम है, इसमें बहुत गहरा प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्यार के साथ साथ जो लस्ट और जो एडिक्शन है, तो चाहे वो गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, प्लेइंग कार्ड्स की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की है, या आप खुद नेगेटिव हैं या दूसरा सामने वाला नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन के लिए अगर आप एक दूसरे से इधर उधर भटकने की बजाय परेशानी को ख़त्म करने के लिए
अगर आप समझौता करेंगे यानी कि डिसीजन लेंगे तो धीरे धीरे करके जो है जो परेशानी और तकलीफ है, जो सोर्स रूपी दीवार है जिससे आप घिरे हुए हैं, उससे आपको धीरे धीरे करके निजात मिल सकती है और सही समय सही वक्त आने पर चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और इसकी इसका खुलासा तभी हो सकेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके रिश्ते में खुशियां और प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या एंजल मैसेजेस हैं। सॉरी गाइस, कार्ड देखते हैं आपका। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, तीन बार अपना जो भी क्वेश्चन है उसको अपनी अंतरात्मा से दोहराइए यानी कि दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है और अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ और देखिए कि जो आप क्वेश्चन करना चाहते थे क्या उसका आंसर आपको सही मिल रहा है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट तो नहीं हो सकती, लेकिन जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा ताकि कॉन्फिडेंस मिलता रहे और आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं एंजल आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लेट गो और रोमांस। जी, यूनिवर्स जी कहना चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो आपको परेशानी दे रही हैं, जिस चीज़ों से आपको तकलीफ हो रही है, अलविदा कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, चाहे वो अपने हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से मदद लेने की आपको ज़रूरत है, बिना दूसरे की मदद के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको उन लोगों से हेल्प लेनी चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर आप मदद लेंगे हेल्प लेंगे उन चीज उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे तो धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। द सिचुएशन में आपकी जो भी पोजीशन अभी चली हुई है, जो स्थिति आपकी चली हुई है उसको उसमें आप इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूवमेंट ज़रूर महसूस करेंगे। और आपको जो है, जो अगर आप किसी से प्यार करते हैं प्रेम करते हैं तो काफ़ी खुशियों के दिन आपके वापस आ सकते हैं, रोमांस के दिन वापस आ सकते हैं। और जहाँ जिस रिश्तों में जिस परिवार और फैमिली में बाधाएं रुकावटें चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो वहाँ वो स्थिति वो पोजीशन आपकी सुधर सकती है यानी कि प्यार फैमिली में परिवार और प्यार बन सकता है, यानी कि रिश्ते सुधर सकते हैं, रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको उन चीज़ों को उस नेगेटिविटी को उन रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको परेशानी दे रही है और अपने उन लोगों से मदद लेनी पड़ेगी जो आपको मदद देने के लिए तैयार है। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मदद लीजिए, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा और खुशियों के पल आपके ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।